Hi everyone, welcome back to my channel Surmeet's World. Guys, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी टर्मरिक मिल्क और गोल्डन मिल्क की रेसिपी इस विंटर में, जो आपको अंदर से वार्म रखेगा, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और आपको कफ एंड कोल्ड से भी बचाएगा। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ कच्ची हल्दी। यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा लिया है कच्ची हल्दी का, जिसे मैंने धोकर छीलकर रख लिया है। साथ ही में मैं ले रही हूँ एक टुकड़ा अदरक का, इसे भी हमने धोकर रख लिया है। साथ में हमने ली है दो छोटी इलायची और एक लौंग। गाइस, अगर आपके पास फ्रेश कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें घर में पीसी हुई जो हल्दी पाउडर होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपके पास अदरक नहीं है तो अदरक के प्लेस पर आप इसमें सौंठ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास सब फ्रेश चीज़ें अवेलेबल है, तो हम इसी से आज गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध बनाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से कूट के इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए गाइस, अभी से मेरे हाथ में हल्दी का कितना कलर आ गया है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक कूट लिया है। अब मैं गैस पर रख रही हूँ दूध। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दूध और इसे अच्छे से बॉयल आने तक उबाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा दूध अच्छे से गाइस बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड करे हैं कुछ केसर के धागे और इसे भी हम दूध के साथ अच्छे से बॉयल आने तक उबाल लेंगे। जैसे हमारे दूध में एक बॉईल आ जाए, उसमें हम ऐड करेंगे हमने जो बारीक हल्दी, अदरक, इलायची और लौंग का पेस्ट बनाकर रखा है, इसे हम दूध में ऐड कर देंगे। ये देखिए, अभी से ही हमारे दूध का कलर कितना येलो हो गया है गाइस। बाकी सारे पेस्ट को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से बॉईल आने तक उबालेंगे, जिससे कि इसमें अदरक, हल्दी और बाकी सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से दूध में आ जाए। गाइस, हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत गुणकारी होती है और साथ ही साथ वो एक एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। बचपन में मुझे याद है, जब भी हम गिरते थे या हमें कहीं चोट लग जाती थी तो हमें अक्सर हल्दी वाला दूध दिया जाता था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। आप गाइस, जब भी हल्दी का यूज़ करें उसके साथ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करें। इससे जो हल्दी के बेनिफिट्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल लेंगे, जिससे कि इन सारी चीज़ों के फ्लेवर हमारे दूध में अच्छे से आ जाए। आप चाहे तो गाइस इस स्टेज पर इसमें ड्राई फ्रूट जैसे मखाने, बादाम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें मिठास के लिए ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जैगरी पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें जैगरी गुड़ की डली का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे भी अच्छे से बॉईल आने तक उबाल लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून घी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल लेंगे और ये हमारा गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला मिल्क, इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क बनकर बिल्कुल तैयार है। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ की वीडियो लेकर आते रहूँ। अब ये हमारा गोल्डन मिल्क बनकर तैयार हो गया है। अब इसे करेंगे सर्व।
इसे हम गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते के साथ। गाइस, अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्ट दूध में डालकर भी उबाल सकते हैं, और ये हमारा गाइस हल्दी वाला दूध बनकर बिल्कुल तैयार है। इस विंटर सीजन ये रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।